तो वेलकम बैक गाइस एक और नई वीडियो में। आज किस वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल सबसे बेहतरीन एक्शन एडवेंचर मैजिकल वेब सीरीज के बारे में। अगर आप लोगों को भी ऐसी वेब सीरीज देखना पसंद है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपकी फेवरेट वेब सीरीज आपसे मिस हो जाएगी। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा खुशी देता है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट। अम्मा टेन द ऑर्डर ये सीरीज साल 2019 में रिलीज हो चुकी कमाल की हॉरर कॉमेडी फैंटेसी वेब सीरीज है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी जगह की जहां पर लोगों को जादू सिखाया जाता है और यहां पर लोगों को काला जादू सिखाया जाता है और इन लोगों के सबसे बड़े दुश्मन वेयरवुल्फ होते हैं जो वहां के लोगों को आए दिन टपकाते रहते हैं। तो क्या ये लोग वेयरवुल्फ को हरा पाएंगे या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको ये एक बार सीरीज जरूर चेक करनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी एक हॉरर कॉमेडी मस्त वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप लोगों को ये वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस वेब सीरीज को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 9 वॉरियर नन ये सीरीज साल 2020 में रिलीज हो चुकी कमाल की फैंटेसी वेब सीरीज है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो अनाथ होती है और ये लड़की अपाहिज भी होती है और इस लड़की की एक दिन मौत हो जाती है। जब इसको मुर्दा घर में ले जाया जाता है तब कोई अनोखी शक्ति इस लड़की को जिंदा कर देती है। तो ये शक्ति कहाँ से आई है और इस लड़की को क्यों जिंदा किया है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज एक बार जरूर चेक करनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी एक मिस्ट्री मैजिकल वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप लोगों को ये वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस वेब सीरीज को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 8 लॉक एंड की ये सीरीज साल 2020 में रिलीज हो चुकी कमाल की एक्शन बेहतरीन वेब सीरीज है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है तीन बच्चों की, जब इनके फादर की डेथ हो जाती है और ये सब अपनी माँ के साथ अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाते हैं और उस घर का नाम ही लॉक एंड की होता है और वहाँ पर उन सबको जादुई चाबी मिलती है और इन चाबियों का रहस्य इनके पिता से जुड़ा होता है। तो आगे इस सीरीज में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज एक बार जरूर चेक करनी चाहिए। अगर आपको भी एक एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस सीरीज को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 7 द मैजिशियन ये सीरीज साल 2015 में रिलीज हो चुकी कमाल की एक्शन ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है ऐसे लोगों की जिनको लगता है कि हमने बचपन में जितनी भी जादुई कहानियां सुनी है वो सभी सिर्फ कहानी ही होती है। तभी इन सबको पता चलता है कि सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि सच है, क्योंकि उन सभी को एक दिन एक जादुई स्कूल में जाने का मौका मिलता है। तो आगे अब इस सीरीज में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको इस सीरीज एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी एक मिस्ट्री फैंटेसी वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप लोगों को ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस सीरीज को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 6 शैडो एंड बोन ये सीरीज साल 2021 में रिलीज हो चुकी कमाल की मैजिकल फैंटेसी ड्रामा सीरीज है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर कोई भी इंसान अगर पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ मैजिकल पावर होती है, लेकिन हर इंसान में एक जैसी पावर नहीं होती बल्कि हर इंसान में अलग अलग मैजिकल पावर होती है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक व्यक्ति अपनी पावर को ज्यादा बढ़ाने के लिए काला जादू सीखता है, लेकिन इसका जादू इस इंसान के ऊपर भारी पड़ जाता है और इसके कारण उस दुनिया में अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे में कुछ अजीब क्रिएचर होते हैं। अब आगे इस सीरीज में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी एक मैजिकल एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। नंबर 5 कार्निवल रो ये सीरीज साल 2019 में रिलीज हो चुकी बेहतरीन एक्शन ड्रामा सीरीज है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है अलग ही दुनिया की जहाँ पर इंसानों के साथ कुछ क्रिएचर भी रहते हैं, लेकिन ये क्रिएचर कोई एलियन या मॉन्स्टर नहीं होते बल्कि ये भी इंसानों की तरह ही दिखते हैं। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब कोई इन क्रिएचर को रहस्यमय तरीके से टपकाने लगता है, लेकिन वहाँ के लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब आगे इस सीरीज में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी एक एक्शन वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस सीरीज को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 4 द व्हील ऑफ टाइम ये सीरीज साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बेहतरीन फैंटेसी वेब सीरीज है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है हमारी पृथ्वी की और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को लगता है कि हमारी पृथ्वी अब खत्म होने वाली है और पृथ्वी को सिर्फ 5 लोग ही बचा सकते हैं, क्योंकि उन 5ों के पास ड्रैगन वाली पावर होती है, लेकिन उन 5ों का कुछ भी आता पता नहीं होता। तो अब आगे इस सीरीज में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको इस सीरीज एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी एक मैजिकल फैंटेसी वेब सीरीज देखना
ज़्यादा पसंद है तो आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग ये सीरीज को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 3 फेट द विंग सागा। ये सीरीज 2021 में रिलीज हो चुकी बेहतरीन एक्शन एडवेंचर फैंटेसी ड्रामा सीरीज है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी लड़की की जिसके पास मैजिकल पावर होती है, लेकिन उस लड़की को अपनी पावर को कंट्रोल करना नहीं आता, तो इसलिए वो लड़की एक ऐसे स्कूल में जाती है जहाँ पर लोगों को जादुई पावर कंट्रोल करना सिखाया जाता है। अब आगे इस सीरीज में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको इस सीरीज एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप लोगों को ये वेब सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस सीरीज को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 2 द इम्परफेक्ट। ये सीरीज 2022 में रिलीज हो चुकी बेहतरीन मॉन्स्टर सीरीज है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है 3 लोगों की जिन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मॉन्स्टर में बदल देते हैं और वो मॉन्स्टर शहर में अपना आतंक मचा रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो अब आगे इस सीरीज में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको इस सीरीज एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी एक मॉन्स्टर वाली सीरीज देखना पसंद है तो आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही पसंद आएगी और आप लोग इस सीरीज को हिंदी में YouTube पर भी देख सकते हो। नंबर 1 द कर्सड। ये सीरीज 2020 में रिलीज हो चुकी कमाल की फैंटेसी मैजिकल वेब सीरीज है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है एक ऐसी लड़की की जिसके पास मैजिकल पावर होती है और तभी कहानी फोकस करती है एक गाँव की जहाँ पर एक राजा उस गाँव के सभी लोगों को टपका देता है और उस टपके हुए लोगों में उस लड़की की माँ भी होती है। तो वो लड़की कैसे अपने माँ के कातिल का बदला लेती है ये सब जानने के लिए तो आपको सीरीज एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी एक एक्शन